तिवारीपुर पुलिस ने गैंगस्टर में वांछित 3 शराब माफियाओं को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसके संबंध में सीओ कोतवाली वीपी सिंह ने बताया कि तिवारीपुर पुलिस और उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर गैंगस्टर में वांछित 2 पुरुष और 1 महिला अपराधी को कंचनपुर तिराहा डोमिनगढ़ से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान रविंद्र निषाद पुत्र रन्नू, दिनेश पुत्र लालू तथा रंभा देवी पत्नी श्रीराम निषाद निवासी धुंधुन कोठा थाना तिवारीपुर के रूप में हुई है। गिरफ्तार तीनों अभियुक्त शराब माफिया थे जो कि गैंगस्टर में वांछित चल रहे थे, जिनको जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में तिवारीपुर थाना प्रभारी सत्य प्रकाश सिंह, उपनिरीक्षक पुष्पेंद्र त्रिवेदी, उपनिरीक्षक शत्रुजीत सिंह, उपनिरीक्षक शमशीर अहमद, कांस्टेबल आशुतोष श्रीवास्तव, सुभाष चंद्र, सुधीर वर्मा, आनंद किशोर चौधरी, संदीप यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कोतवाली वीपी सिंह ने कहा, ये शराब माफिया हैं और शराब का व्यवसाय करते हैं, धंधा करते हैं, चोरी छुपे लुको छुपे बेचते हैं और इनके विरुद्ध गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत किया गया था। 3 मुलजिमों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। अभी इसमें मामले में 2 अभियुक्त शेष हैं, उनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र सुनिश्चित की जाएगी।